हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल ई लर्निंग प्रोसेस। तो भैया, ये हमारा फिशरीज का मतलब FWFC फ्रेश वाटर फिश कल्चर का सेकंड लेक्चर आने वाला है। आई होप कि यहाँ पे आने से पहले आपने इसके पहले वाला लेक्चर मतलब इंट्रोडक्शन टू फिशरीज लेक्चर 01 देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो प्लीज़ वो आप देख लीजिए। हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा फिशरीज क्या है, वॉट इज पर्पज ऑफ फिशरीज, फिशरीज और पीसी कल्चर में क्या डिफरेंस है, कल्चर फिशरीज और कैप्चर फिशरीज में क्या डिफरेंस है, इंडिजिनस स्पीशीज क्या होते हैं, एग्जॉटिक स्पीशीज क्या होते हैं। ओके, तो ये था शॉर्ट रिकैप फर्स्ट लेक्चर का। सो लेट स्टार्ट विद सेकंड लेक्चर, इंट्रोडक्शन टू फिशरीज लेक्चर 02। ओके, तो देखते हैं हम इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज पॉलीकल्चर प्रैक्टिस। पॉलीकल्चर प्रैक्टिस को ही कंपोजिट कल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट आर डिसएडवांटेजेस ऑफ कंपोजिट कल्चर। उसके बाद देखेंगे सिलेक्शन ऑफ कल्टिवेबल फिशेज, इसमें देखेंगे हम कौन से फिशेज को कल्टिवेट किया जाना चाहिए, कौन से फिशेज को कल्टिवेट नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट आर इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ फिश कल्चर, और उसके बाद एंड में देखेंगे बाय प्रोडक्ट्स ऑफ फिश इंडस्ट्री। ये जो टॉपिक है बाय प्रोडक्ट्स ऑफ फिश इंडस्ट्री, ये वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, ये सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए है, बट आप चाहे तो इसके भी नोट्स ले सकते हैं फॉर योर नॉलेज। ओके, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। तो देखते हैं व्हाट इज पॉलीकल्चर प्रैक्टिस। पॉलीकल्चर प्रैक्टिस को मिक्स्ड फार्मिंग कहा जाता है और इसे कंपोजिट कल्चर कहा जाता है। फॉर इफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फूड इन पॉन्ड, इट इज नेसेसरी टू कल्टिवेट टू और थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस टूगेदर। ओके, दिस इज कॉल्ड पॉलीकल्चर प्रैक्टिस और मिक्स फार्मिंग। तो क्या कहना है यहाँ पे, अभी हम तीन फिशेज ले लेते हैं, एक फिश ए है, एक फिश बी है और एक फिश सी है। ओके, ए फिश में हमें विटामिन एक्स मिलता है फॉर एग्जाम्पल। ओके, बी फिश में हमें विटामिन वाई मिलता है फॉर एग्जाम्पल, एंड सी फिश में फॉर एग्जाम्पल विटामिन जेड मिलता है। अगर हम सिर्फ फिश ए का प्रोडक्शन करेंगे तो कंज्यूमर्स को सिर्फ विटामिन ए मिलेगा, विटामिन एक्स मिलेगा, और अगर सिर्फ बी का प्रोडक्शन करेंगे तो सिर्फ विटामिन वाई मिलेगा, सिर्फ सी का करेंगे तो सिर्फ विटामिन जेड मिलेगा। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, तीनों को साथ में प्रोड्यूस करेंगे, फिश ए को भी प्रोड्यूस करेंगे, बी को भी प्रोड्यूस करेंगे, सी को भी प्रोड्यूस करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो पॉन्ड का जो बैलेंस है, इक्विलिब्रियम है, वो भी मेंटेन रहेगा, और कंज्यूमर्स को है उनकी जो नीड है वो भी फुलफिल हो जाएंगे। ओके, सो पॉलीकल्चर प्रैक्टिस, मिक्स फार्मिंग और कंपोजिट कल्चर आपको समझ आ गया होगा। तो इंडिया में पॉलीकल्चर प्रैक्टिस में या मिक्स फार्मिंग में मेनली तीन फिशेस का प्रोडक्शन किया जाता है, दैट इज योर मेजर कार्प्स, कतला, रोहू एंड ब्रिगल। ओके, द मेजर कार्प्स कतला, रोहू एंड ब्रिगल फॉर्म अ सेटिस्फैक्टरी कॉम्बिनेशन इन द रेशियो ऑफ 3:3:4। ओके, इसे आप नोट्स में लिख लीजिए अपने। ओके, द रेशियो इन द पॉलीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ कतला, रोहू एंड ब्रिगल आर 3:3:4 रिस्पेक्टिवली। दिस इज योर कतला, दिस इज रोहू एंड दिस वन इज ब्रिगल। ओके, अभी हमने देखा व्हाट इज पॉलीकल्चर प्रैक्टिस, उसे कंपोजिट कल्चर भी कहा जाता है और उसे मिक्स फार्मिंग भी कहा जाता है। अभी हम देखेंगे व्हाट आर डिसएडवांटेजेस ऑफ कंपोजिट कल्चर। ओके, सो डिफिकल्टी इन रिकॉग्नाइजिंग विच सीड बिलोंग्स टू विच ऑफ द स्पीशीज। अभी क्या होता है, जब तीन अलग अलग स्पीशीज के सीड्स लाए जाते हैं और पॉन्ड में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, तो ये डिफिकल्ट हो जाता है कि कौन सी सीड कौन से स्पीशीज को बिलोंग करती है। सेकंड, लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी सीड्स। और अभी क्या है, ये पॉलीकल्चर प्रैक्टिस जो है वो बहुत कॉमन हो चुकी है, इस वजह से मोस्टली जो सीड्स मार्केट में जो अवेलेबल है वो मिक्सड ही पाए जाते हैं। ओके, सो एकदम फ्रेश और ओनली वन क्वालिटी सीड्स बहुत कम पाए जाते हैं, मतलब नहीं पाए जाते हैं। ओके, अगर हम सिर्फ रोहू की सीड्स लेने जाएं तो 1000-2000 में एक ना एक कतला या मृगल का आ ही जाता है उसमें। नेक्स्ट, टू ब्रीड फिशेज यूजिंग हार्मोनल स्टिमुलेशन। अभी हमने अगर पॉलीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं हम और उसमें तीन अलग अलग फिशेज है। ओके, और हमने हमें अभी हार्मोनल स्टिमुलेशन करना है, इसके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले सामने। ओके, बहुत डीपली पढ़ने वाला है। तो
उन्हें क्या किया जाता है फिशेज में, उन्हें कुछ इंजेक्शन देके उनमें ब्रीडिंग प्रैक्टिस को इंड्यूस किया जाता है आर्टिफिशियली। तो हमें अगर सिर्फ रोहू में ऐसा कुछ करना है तो हमें सिर्फ रोहू को अलग करना पड़ेगा, कतला को अलग करना पड़ेगा, मृगल को अलग करना पड़ेगा, उसके बाद सिर्फ रोहू को, रोहू वाले फिशेस को इंजेक्शन देना पड़ेगा। ये बहुत डिफिकल्ट प्रोसीजर हो जाती है। बट अगर सिर्फ रोहू ही हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उन्हें डायरेक्टली इंजेक्शन दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ कल्टिवेबल फिशेस। इसमें हम देखेंगे कि क्या फैक्टर्स हैं, हमें कौन से फिशेस को कल्टिवेट करना चाहिए, कौन से फिशेस को कल्टिवेट नहीं करना चाहिए। तो देखते हैं सिलेक्टेड कल्टिवेबल फिशेस शुड हैव, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमारे फिशेज में होनी चाहिए। हाई फूड वैल्यू बोथ इन क्वांटिटी एंड क्वालिटी, जो फिश हम प्रोड्यूस करने चाह रहे हैं उसमें वो फिश ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होनी चाहिए, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स होनी चाहिए। ओके, हाई रिप्रोडक्टिव एंड ग्रोथ रेट, जल्दी जल्दी बड़े होने चाहिए और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिप्रोडक्टिव रेट होना चाहिए उनमें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एग्स वो दे, ज़्यादा से ज़्यादा उनमें फर्टिलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट इज हायर डिसीज रेसिस्टेंस कैपेसिटी, टॉलरेंस अगेंस्ट द एनवायरमेंट फ्लक्चुएशंस, मतलब अगर वाटर का कभी पीएच चेंज हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया, तो उससे वो फिश पे ज़्यादा कुछ अफेक्ट नहीं होना चाहिए और डिसीजेस के अगेंस्ट उनमें फाइट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। ग्रेट, नेक्स्ट इज एन इजी एक्सेप्टेंस टूवर्ड्स नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फूड। अगर कभी बाई चांस हम आर्टिफिशियल फूड नहीं दे पा रहे फिशेस को, तो वो जो फिशेस है वो सर्वाइव सर्वाइव करनी चाहिए नेचुरल फूड पे, जैसे नेचुरल प्लैंकटन्स जो रहते हैं, ग्रास रहते हैं, उनसे उनका सर्वाइवल हो जाना चाहिए। ओके, और नेक्स्ट इज शुड बी वेल कंपेटेबल टू अदर फिशेस प्रेजेंट इन पॉन्ड और द एक्वेटिक हैबिटेट। मतलब जैसे हमने अभी अभी कुछ देर पहले पढ़ा पॉलीकल्चर प्रैक्टिस, जिसमें तीन अलग अलग फिशेस हमने प्रोड्यूस की थी, तो ऐसे वक्त में क्या होता है, वो जो फिशेज हैं वो एक दूसरे को एक्सेप्ट भी करनी चाहिए, वो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल होनी चाहिए। ओके, उन्होंने एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना चाहिए। ऐसा तो नहीं है ना कि हमने अगर कतला कतला डाल दी, रोहू डाल दी और उनमें वेलागोट्टू डाल दी। वेलागोट्टू इज अ कैट फिश, वो कार्निवोर है, वो उन बाकी दो को खा जाएंगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सो द प्रीवियस क्राइटेरिया आर फुलफिल्ड ओनली बाय फ्यू स्पीशीज ऑफ फिशेज, मोस्टली मेजर क्लब्स। मेजर क्लब्स मतलब योर लेबियो रोहिता, कतला कतला एंड सेरिना स्प्रिगला। ओके, देयरफॉर कल्चर ऑफ दिस फिशेज इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया एट लार्ज स्केल। इन तीन फिशेज का ही ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन किया जाता है इन इंडिया। ओके, एट प्रेजेंट थ्री मेन स्पीशीज ऑफ इंडिजिनस कार्प्स इन इंडिया आर इंक्लूडेड एज कैटेगरी ऑफ मेजर कार्प्स। इंडिजिनस कार्प्स मतलब विच बिलोंग्स टू अवर रीजन, विच बिलोंग्स टू इंडिया। इंडिजिनस कार्प्स का ब्रीफ डिस्कशन हमने फर्स्ट लेक्चर में कर लिया। ओके, सो दिस थ्री स्पीशीज आर रोहू, कतला एंड मृगल। ग्रेट, दिस स्पीशीज अलॉन्ग विथ सर्टेन एक्सॉटिक कार्प्स, एक्सॉटिक कार्प्स जो हमने तीन फर्स्ट लेक्चर में पढ़े, टीनो फेरिंगोडोन इडेला मतलब ग्रास कार्प, हाइपोथैलमिक्टिस मॉलिट्रिक्स मतलब योर सिल्वर कार्प, एंड थर्ड इज साइबेरियन स्कॉर्पियो मतलब योर कॉमन कार्प, आर कल्चर टुगेदर इन अ फिश फॉर्म। दिस टेक्निक इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इस टेक्निक को, पॉलीकल्चर प्रैक्टिस, मिक्स फार्मिंग या फिर कंपोजिट कल्चर। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो नाम है, नाम लिखे हैं साइंटिफिक नेम्स है ये, और ये नॉमेनक्लेचर के रूल्स के हिसाब से लिखे हैं। तो आप जब भी नोट्स भी बनाओ ना, तो नॉमेनक्लेचर के रूल्स फॉलो करके ही नोट्स बनाओ, तो तब क्या होगा, आपको आदत पड़ जाएगी। तो जब आप पेपर में लिखोगे तो दिक्कत नहीं होगी आपको, आपकी आदत रहेगी तो आप पेपर में भी बराबर सही से लिख के आ जाओगे। ग्रेट, नेक्स्ट हम देखेंगे इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ फिश कल्चर, क्या स्टेप्स है जो हमें फिश कल्चर करते समय लेने चाहिए। इन द बिगिनिंग ऑफ कल्चर प्रोग्राम द सुटेबल साइट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फिश फार्म इज सिलेक्टेड। हमें कोई तो ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे हमें फिश फार्म को हमारे इंट्रोड्यूस करना है। ओके, इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड क्राइटेरिया, कौन सा स्टैंडर्ड क्राइटेरिया, वो हम सामने देखेंगे। सेवरल पॉन्ड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स आर इन कंस्ट्रक्टेड। ओके, फिश को डिफरेंट लाइफ स्टेज में एक ही पॉन्ड में नहीं रखा जा सकता, उनके पॉन्ड्स चेंज करने पड़ते हैं। ग्रेट, एंड अ डिपेंडेबल सोर्स ऑफ वाटर इज इंश्योर्ड। सोर्स ऑफ वाटर ट्राई करना चाहिए कि वो जो सोर्स ऑफ वाटर है वो नेचुरल हो, कोई रिवर हो या फिर लेक हो।
ग्रेट, टू सप्लाई वाटर इंटू द नर्सरी पॉन्ड्स, रियरिंग और रेजिंग पॉन्ड्स एंड स्टॉकिंग पॉन्ड्स, दीज आर योर थ्री मेन पॉन्ड्स, नर्सरी पॉन्ड्स, रियरिंग पॉन्ड को रेजिंग पॉन्ड भी कहा जाता है एंड थर्ड वन इज स्टॉकिंग पॉन्ड्स. द साइज शेप एंड डेप्थ ऑफ वाटर इन दिस पॉन्ड डिफर फ्रॉम ईच अदर. ओके ओके दीज आर द पॉन्ड्स. So, second point, fishery ponds are usually treated with lime to maintain an appropriate pH of pond water. pH, okay. pH is characteristic of water. Okay. And pH को stable रखने के लिए, maintain रखने के लिए हम water को lime से treat करते हैं. Okay, lime मतलब your calcium oxide. Lime को weak lime भी कहा जाता है. और water में डालने के बाद वो बन जाता है your lime water. मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH. ग्रेट. ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स आर सप्लाइड इन द पॉन्ड टू एनकरेज द ग्रोथ ऑफ प्लैंकटन्स. प्लैंकटन्स मतलब जू प्लैंकटन, फाइटो प्लैंकटन एंड अदर ऑर्गेनिजम्स दैट सर्व एज नेचुरल फूड फॉर फिशेस. दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन ऑफ पॉन्ड. इट कैन बी द वन मार्क क्वेश्चन. ग्रेट. और MCQ, वॉट इज फर्टिलाइजेशन ऑफ पॉन्ड? तो क्या होता है, इनऑर्गेनिक मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है. अभी इन ये फर्टिलाइजर और मैन्योर के मदद से वो पॉन्ड में है प्लैंकटन्स की ग्रोथ बढ़ जाएंगी और वो प्लैंकटन्स पे हमारी जो फिशेज हैं वो फीड करेंगी. ग्रेट. इट इज क्वाइट इसेंशियल टू रिमूव द हार्मफुल एक्वेटिक वीड्स, प्रीडेटर फिशेज एंड हार्मफुल इंसेक्ट फ्रॉम द पॉन्ड बिफोर इंट्रोड्यूशन फिश सीड इन टू द पॉन्ड. ठीक है, ये बहुत इसेंशियल है. फिश सीड अगर हम डालेंगे और कोई प्रीडेटर फिश उसमें रही तो फिश सीड को कंज्यूम कर ही लेंगे, खा ही लेंगे, तो क्या मिलेगा हमें, है ना? तो इस वजह से इट इज नेसेसरी और ये हम पूरा पढ़ने वाले हमारे फर्स्ट चैप्टर में. द थर्ड पॉइंट इज फिश सीड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नेचुरल ब्रीडिंग प्लेसेस और मे बी कलेक्टेड फ्रॉम रिवर्स ड्यूरिंग मॉनसून सीजन. तो क्यों पर्टिकुलरली मॉनसून सीजन? ओके, ये भी हम सामने पढ़ने वाले हैं. ओके, फोर्थ पॉइंट, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन प्योर सीड ऑफ डिजायरेबल फिश स्पीशीज. नेक्स्ट हम ट्राई करेंगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की सीड मिले. तो इस वजह से हमें क्या करना चाहिए, हेल्दी मेल एंड हेल्दी फीमेल ऑफ सुपेरियर फिश स्पीशीज आर सिलेक्टेड. ओके, अच्छे से अच्छे स्पीशीज की हेल्दी फीमेल और हेल्दी मेल को सिलेक्ट करके उनमें क्रॉस करना चाहिए, तब हमें अच्छी सीड मिलेगी. दीज आर देन इंड्यूस्ड टू ब्रीड आर्टिफिशियली by giving in them the injection of pituitary extract. Artificial breeding कोई hypophysiation कहा जाता है. Hypophysiation is process of artificial breeding. Induced breeding भी कहते हैं इसे. इसके बारे में हम बहुत deeply पढ़ने वाले समझे, बहुत अच्छे से पढ़ने वाले, आपका दिमाग खुलने वाला है. ओके, और pituitary extract के बारे में भी हम सामने बहुत अच्छे से पढ़ने वाले उसी उसी टॉपिक में. ओके, pituitary extract में क्या रहेगा, containing FSH और LH. FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और ऑफर सिंथेटिक हार्मोन लाइक ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपियंस. ग्रेट. नेक्स्ट, दिस स्टिमुलेट्स द फीमेल फॉर स्पॉनिंग एंड मेल टू इमिट मेल. स्पॉनिंग मतलब फीमेल्स को वो इंड्यूस करेंगे, आप एग्स प्रोड्यूस कीजिए और मेल्स को इंड्यूस करेंगे आप स्पर्म्स को, वो जो रिलीज्ड ओवा है उन पे रिलीज कीजिए. The fertilized eggs from the breeding pond are collected and transferred into hatcheries and hatching pits. Hatcheries क्या होता है, hatching pits क्या होता है, ये हम देखेंगे सामने. Where they hatch to give rise to small hatchlings. Hatchlings एक life stage है fish के. Okay. This is the hatcheries. This is also hatchery. Next, the hatchlings are now transferred from hatcheries into nursery ponds. Hatcheries के बाद hatchlings को nursery ponds में लाया जाता है, where they develop into fry. Fry is also next stage, life stage of that fish. This fry is feeding on zooplankton and phytoplankton. Zooplankton और phytoplankton को हमने कैसे produce किया था? By fertilization of pond, by introducing
inorganic manure and fertilizers in the barn. Great. So this price feeding on zooplankton and phytoplankton present in nursery pond grow and change into fingerlings next life stage hai. Fries are also fed by artificial food. Yeah, artificial food bhi diya jata hai. Okay, these are the nursery ponds. Samne, 7th point. Further, fingerlings are transferred into rearing or raising ponds. Abhi fingerlings hain, bade ho gaye, to unhe bada pond chahiye. To rearing or raising pond are generally larger in size than nursery ponds. तो उनमें फिंगरलिंग्स को इंट्रोड्यूस कर देता है वेयर दे फीड ऑन बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फूड. उन्हें नेचुरल फूड पे भी फीड करते हैं वो और उन्हें आर्टिफिशियल फूड भी दिया जाता है. ग्रेट. इन रियरिंग पॉन्ड्स द फिंगरलिंग्स ग्रो अप टू साइज ऑफ 15 टू 20 सेंटीमीटर लॉन्ग. नाउ दीज आर ट्रांसफर टू इन टू स्टॉकिंग पॉन्ड्स. अभी इन रियरिंग या रेजिंग पॉन्ड्स में वो और बड़ा साइज हो जाएगा वो फिशेस का, तो उन्हें स्टॉकिंग पॉन्ड्स में डाला. Look at this construction of the pond. How beautiful the construction is. Okay. 8th point. In the stocking pond, the fingerlings soon become adult and attain table size. Table size मतलब ऐसा नहीं table जितना बड़ा, ऐसा नहीं है. Table size मतलब table पे serve करने के लिए जितना size रहना चाहिए fish का, average size. उतना size stocking pond में वो fingerlings से attain कर लेते हैं. टेबल साइज मतलब edible साइज which is adequate to it. Great. Suitable to serve on table. Thus called table size fish. In about 6 to 9 month में fingerlings जो है वो टेबल साइज अटेन कर लेते हैं. टेबल साइज को ही मार्केटेबल साइज भी कहा जाता है. These are given adequate food in these ponds and due care is given to protect them from diseases and other hazardous agents. But mostly क्या होता है, जैसे जैसे हम नर्सरी से रियरिंग पॉइंट जाते हैं, रियरिंग से स्टॉकिंग पॉइंट जाते हैं, वैसे फिशेस की जो क्वांटिटी है वो कम कम हो जाती है. क्योंकि क्या रहता है, सभी फिशेस सर्वाइव नहीं कर पाती. कुछ फिशेस कोई फैक्टर्स की वजह से मर जाती है. तो हमें वही ट्राई करना पड़ता है कि उनका जो मॉर्टलिटी रेट है, डेथ रेट है, वो कम से कम हो एंड सर्वाइवल रेट जो है वो मैक्सिमम हो. ओके, आप ये नोट्स में लिख के रख सकते हैं. These are table sized fish. And ऐसा नहीं है कि एक ही साइज हो टेबल साइज, और अलग अलग फिशेज का, अलग अलग स्पीशीज का अपना एक 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 पर्टिकुलर मार्केटेबल साइज रहता है. 9th point. When the fish in pond has attained a suitable table size or marketable size, the fishes are captured by using fish gears like hooks and lines, drag nets, gill net, cast net, etc. This is called harvesting. एक मार्क का या दो मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, what is harvesting? Great. These fishes are then taken to landing centers from where they are disposed of by selling into the market. फिर उन्हें मार्केट में सेल किया जाता है. 10th point. Our country has sufficient water resources. बहुत बड़ी बड़ी rivers है इंडिया में, including thousands of ponds in rural areas. Great. These ponds may be used for fish culture together with piggery, duck rearing, etc. Okay. इसे कहते हैं integrated farming. इसके बारे में बहुत deeply पढ़ने वाले हैं. मतलब इसमें क्या होता है, fishes के साथ साथ ही ducks को rear किया जाता है, pigs को rear किया जाता है, goats को rear किया जाता है, hens. Okay. इन्हें rear किया जाता है. This also provide employment to people from rural areas and thus is also an additional source of income. 9th topic is byproducts of fishing industry. जैसे मैंने पहले ही बताया, ये जो टॉपिक है ये आपके सिलेबस का नहीं है, बट आप चाहे तो इसके भी नोट्स ले सकते हैं फॉर नॉलेज पर्पस. तो इसे हम जल्दी जल्दी खत्म करने का ट्राई करेंगे. मैं इसे सिर्फ रीड करूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स अगर रहे तो आपको बताऊंगा. ग्रेट. फिशेज आर कंज्यूम्ड एज फूड इन फ्रेश कंडीशन. सम ऑफ देम आर ऑल्सो यूटिलाइज्ड आफ्टर द प्रिजर्वेशन. ड्यूरिंग प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग सम मटेरियल्स ऑफ फिश एंड प्रॉन आर डिस्कार्डेड एज वेस्ट. सिमिलरली सम ट्रैश एंड डिस्टेस्टफुल फिशेज आर अनसुटेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन.
this waste material and above fishes become an important source for produce fish byproduct, which in turn are used to produce different useful fish byproducts. मतलब सभी फिशेस को कंज्यूम नहीं किया जा सकता या फिर फिश के सभी पार्ट्स को कंज्यूम नहीं किया जा सकता, तो क्या किया जाता है, उन्हें फेंक दिया जाता है. तो फेंकने की बजाय उन पार्ट्स से कुछ ऐसी चीजें जो बनाई जा सकती है विच कुड बी द बाय प्रोडक्ट्स. ग्रेट. फिश फ्लेश ऑन एन एवरेज कंटेंट्स 15-20% प्रोटीन्स. सम स्पीशीज ऑफ फिश कंटेन वेरी हाई अमाउंट ऑफ बॉडी ऑयल. सो बॉडी ऑयल एंड प्रोटीन आर योर बाय प्रोडक्ट्स. फ्यू स्पीशीज ऑफ फिश लाइक शार्क, कॉड एक्सेट्रा आर गुड सोर्स ऑफ लीवर ऑयल. इट इज योर नेक्स्ट बाय प्रोडक्ट. फिश प्रोसेसिंग एंड फिलेटिंग इंडस्ट्रीज टर्न आउट लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ फिशरी वेस्ट. जहाँ से लार्ज क्वान्टिटी ऑफ फिशरी वेस्ट मिलता है विच कैन बी यूज टू मेक बाय प्रोडक्ट्स. ग्रेट. ऑल दीज आर गुड सोर्सेस ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन, फैट, मिनरल्स एक्सेट्रा. द ट्रेडिशनल फिशरी बाय प्रोडक्ट आर फिश मील, फिश बॉडी, लीवर ऑयल्स, फिश मॉ. फिश मॉ मतलब क्या होता है, फिशेज में जो एक ब्लैडर रहता है उनका, एयर ब्लैडर, जिसकी मदद से वो स्विम करने में हेल्प करते हैं, उन्हें फिश मॉ कहा जाता है. इसिन ग्लास, इसके बारे में हम देखेंगे, एक्सेट्रा. फिश प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, फिश एल्ब्यूमिन, ग्लू, जिलेटिन, पॉलीसेंस, पेप्टोज, एमिनो एसिड्स, प्रोटामिन्स, फिश स्किन लेदर एक्सेट्रा आर सम अदर बाय प्रोडक्ट्स जनरली प्रोसेस्ड आउट ऑफ फिश एंड फिश वेस्ट. ओके, तो हम कौन से बाय प्रोडक्ट्स के बारे में देखने वाले हैं. हम देखने वाले इसिन ग्लास, हम देखने वाले फिश ऑयल, फिश मील, फिश प्रोटीन, फिश फ्लोर एंड फिश स्किन. ओके, फर्स्ट वन इज इसिन ग्लास. इसिन ग्लास इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम फिश मॉस. फिश मॉस मतलब ड्राइड एयर ब्लैडर. फिश मॉस इज सोक्ड इन वाटर फॉर 24 आवर्स, वॉश्ड एंड एक्सट्रूडेड. एक्सट्रूडेड मतलब निकाल दिया जाता है धो के उन्हें. ड्राइड एट 450°C एंड इन पाउडर. इट इज मेनली यूज्ड फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ वाइन्स. It is high collagen produced from air bladder. Okay. The bladders are first removed from the selected fish and blood adhering fat material are scraped off. Okay. They are then cut open and washed thoroughly in running water. Then the outer black membrane is removed by scraping. Subsequently, the bladders are cut into pieces and are dried in an artificial dryer or in sun and stored in suitable container. Uses. What are uses of isin glass? Isin glass, so prepared, is used for clarifying beverages like wine, beer, vinegar. Isin glass also reduces 2 to 0.05% of suspended solid in beer, increases filtration rate from 3000 to 11,000 liters. It can also be used as an adhesive base and in the confectionery product, Indian ink, and as an effective adhesive for glass, pottery, and leather. Great. Next is your fish oil. Fish oil has a high nutritional value because of its omega-3 polyunsaturated fatty acids content. Okay. Currently valued for their beneficial effects on health. Moreover, although refining is performed by traditional methods, there are new technologies with potential to be applied on fish oil. Fish oil, ऐसे medicines के तौर पर इन्हें लिया जाता है. एंड दे आर वेरी पॉपुलर. आइस के लिए स्पेशली बहुत इम्पोर्टेंट रहता है ये ऑयल. ग्रेट. तो यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, आप चाहे तो स्क्रीन शॉट निकाल के रख सकते हैं. नेक्स्ट इज फिश मील. एक्वाकल्चर हैज कंटिन्यूड टू इंक्रीज इट्स डिमांड फॉर फिश मील एंड फिश ऑयल बिकॉज दिस प्रोडक्ट्स हैव ए हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड आर इजिली डाइजेस्टेबल बाय अदर फिश. तो क्या होता है, ये जो फिश के जो कुछ पार्ट्स हैं जो बच जाते हैं, इन्हें ही ग्रीन ग्राइंड करके, क्रश करके, ओके, बाकी फिशेस जो हम कल्चर करते हैं उनके लिए ये जो है क्रश्ड मटेरियल, ये उनके लिए मील का काम कर सकता है. ओके. क्वालिटी फिश मील प्रोवाइड्स अ बैलेंस्ड अमाउंट ऑफ मोस्ट इसेंशियल अमाइनो एसिड, मिनरल, फॉस्फोलिपिड एंड फैटी एसिड विच हेल्प इंक्रीज ग्रोथ रेट एंड ओवरऑल प्रोडक्शन इन. ग्रेट. This type of feeds are also absorbed more efficiently by cultured fish, which decreases water pollution level and improves the efficiency of production system.
यही पे भी, यहाँ पे भी वही सब दिया गया है फिश मील के बारे में, आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख सकते हैं इसका भी। नेक्स्ट आर फिश प्रोटीन्स। फिशेज में बहुत ज्यादा प्रोटीन रहता है, तो फिश प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट FPC कहा जाता है, इज स्टेबल प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट प्रिपेयर्ड फ्रॉम होल फिश और अदर एक्वाटिक एनिमल्स और पार्ट्स देयर ऑफ। प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीज बाय रिमूवल ऑफ वाटर, ऑयल, बोन्स एंड अदर मटेरियल। ट्रेडिशनली ड्राइड ऑन और अदरवाइज प्रिजर्व प्रोडक्ट डू नॉट फॉल विद इन दिस डेफिनेशन। डेवलपमेंट ऑफ FPC, FPC मतलब फिश प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, हैज पेव्ड द वे फॉर कन्वर्टिंग वाइड रेंज ऑफ होल फिश इन टू प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट विच हैज नो रिजेंबलेंस टू द ओरिजिनल रॉ मटेरियल फॉर ह्यूमन न्यूट्रिशन। यहाँ पे भी फिश प्रोटीन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, ओके, हाउ दे आर प्रिपेयर्ड। ओके, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख सकते हैं, एक बार पढ़ लीजिए इसको। नेक्स्ट इज फिश फ्लोर। ओके, फिश फ्लोर इज सुपीरियर क्वालिटी फिश मील। इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ फिश मील प्रोड्यूस्ड अंडर स्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड केयर एंड फॉर्म्स एंड आइडियल प्रोटीन सप्लीमेंट फॉर ह्यूमन डाइट ऑल्सो। ओके, इवन फॉर इन्फंट्स ऑफ 3 to 4 months ओल्ड। ऑन कमर्शियल स्केल इट इज प्रोड्यूस्ड बाय सोफिस्टिकेटेड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। सो यहाँ पे बेसिकली वही दिया है गया है कि फिश फ्लोर को कैसे बनाया जा सकता है। ओके, व्हाट आर द प्रोसीजिंग, आप चाहे तो एक बार इसे देख सकते हैं। हम देखेंगे यूजेज ऑफ फिश फ्लोर। इट इज कंसिडर्ड एज हाई प्रोटीन सोर्स टू सप्लीमेंट डाइट फॉर एडल्ट एंड इन्फेंट्स। इट इज यूज टू एनरिच बेकरी प्रोडक्ट सच एज ब्रेड, बिस्किट, केक्स एंड सूप, एंड इट कंटेन्स हाई प्रोटीन नियर अबाउट 35%। डेयर फोर जो पेशेंट मेल न्यूट्रिशन या एनीमिया से सफर कर रहे हैं उन्हें भी ये दिया जा सकता है। नेक्स्ट इज फिश स्किन। ओके, दीज आर द फिश स्किन यहाँ पे दिखाई गई है, एंड ऑफकोर्स इसका भी बहुत ज़्यादा यूज रहता है, एंड दे आर वेरी कॉस्टली। द स्किन ऑफ लार्जर फिशेज इज करप्टेड, सोक्ड इन ब्राइन एंड लेफ्ट फॉर डे। ओके, ऑन द नेक्स्ट डे इट इज साल्टेड एंड अगेन पुट इन ब्राइन कंटेनिंग 10% HCl। द स्किन इज देन टेकन आउट, ड्रेन एंड स्क्रैप ऑन द सर्फेस पर्टिकुलरली टू रिमूव फाइन डेंटिकल्स प्रेजेंट इन द स्किन ऑफ शार्क्स। ओके, दे आर देन लाइम्ड एंड टैंड बाई द यूजुअल प्रोसेस। ओके, व्हाट आर यूजेज ऑफ फिश लेदर। ठीक है, दीज आर ऑल द यूजेज ऑफ फिश लेदर। इस मेन सबसे मेन क्या यूज है इसका, जो कुछ बैग्स हैं, वॉलेट्स हैं या फिर शूज हैं, वो हाई क्वालिटी के अगर बनाने हैं तो फिश लेदर का यूज किया जाता है। और वो जो सामान रहता है वो सच्ची में बहुत महंगा रहता है, दे आर रियली एक्सपेंसिव। ओके, ये सब यूजेज हैं, ये आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार। ओके, दिस इज फिश लेदर, दिस आर द शूज मेड फ्रॉम फिश लेदर। ओके, दिस इज बैग। ओके, दिस आर द फिश लेदर। सो व्हाट वी लर्न टुडे, हमने देखा पॉलीकल्चर प्रैक्टिस क्या होते हैं, उन्हें कंपोजिट कल्चर कहा जाता है, मिक्स फार्मिंग कहा जाता है, उसमें हमने रोहू कतला और मृगल का 3:3:4 का रेशियो देखा। ओके, नेक्स्ट हमने देखा व्हाट आर डिसएडवांटेजेस ऑफ कंपोजिट कल्चर। ओके, नेक्स्ट देखा सिलेक्शन ऑफ कल्टिवेबल फिशेज, इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ फिश कल्चर देखा हमने, ये टॉपिक हमारा थोड़ा लंबा चला। एंड नेक्स्ट हमें जाता है तो देखा बाय प्रोडक्ट्स ऑफ फिशिंग इंडस्ट्री। दैट्स इट, रिवाइज करते रहिए, कुछ टर्म्स एंड टॉपिक ऐसे होते हैं जो एक बार में समझ नहीं आते, सबके साथ ही ऐसा है। तो क्या करना है, उस टॉपिक को बार बार पढ़ते रहना है, 100% वो टॉपिक आपका क्रिस्टलाइन क्लियर हो जाएगा। ओके देन, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।